hello dear learners welcome back to my channel i hope you all are doing well i am here with another video lecture on the series of building your concept through question in today's lecture we will be discussing on seven questions regarding bioprocess engineering their solution and we will discuss the various concepts through it if you have not watched the previous video do watch it out and like share and subscribe if you find it useful सो द वेरी क्रॉस्ट क्वेश्चन ऑफ कुलज लेक्चर इज वट डू मीन बाई स्टलेज सो बेसिकली स्टलेज जो होता है वह ट्रांसप्लेटेशन के परपज से बनाया जाता है यानी कि आप यहाँ पे सिगर में भी देख सकते हैं टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है और वुडन से बनाया जाता है कई बार मेटालिक भी होता है एंड दिस इज ऑफन मेड फॉर दर कैरिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस इन दैट सेम इंडस्ट्री ऑन वेयर हाउस इट मीन की ऐसे छोटे छोटे टेबल टाइप के या केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें क्या होते लगे होते हैं व्हील्स लगे होते हैं फॉर द इजी मूवमेंट और कभी भी शिफ्टिंग करना होता है कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं इधर से एक प्रॉडक्ट वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए इसे यूज किया जाता है तो ये जो आप स्ट्रक्चर में आपका दिख रहा है वो क्या है स्टिलेज है ये मेटालिक भी हो सकता है प्लास्टिक के भी होते हैं कई बार वुडन के भी होते हैं और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ऐसे कि ये बहुत सारा वेट सह पाए क्योंकि कई बार फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर में हमें कुछ आइटम्स रखने होते हैं

रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमेशा जो लार्जर पार्टिकल्स हैं जो ईजिली रिमूव हो सकते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इट मीनस कि इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट एनोरोपिकाइजेशन और माइक्रोवानजम्स का यूज किया जाता है और कई सारे प्रदिन पिल्टर्स एंड ऑल्सो फ्लू इन सबका यूज किया जाता है जो कि प्योरली बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं और इससे जो भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स जो है उसे डिग्रेड किया जाता है देन फाइनली टर्जरी ट्रीटमेंट में मेनली केमिकल्स का यूज मेनली uh, केमिकल्स का यूज किया जाता है ताकि फाइनल सैन में हमारा जो वाटर है वो रेडी हो जाए यानी कि उसमें डिसइंफेक्शन किया जाता है ऑक्सीडेशन किया जाता है क्लोरिनेशन भी उसी स्टेप में किया जाता है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि biological treatment goes secondary treatment. Kaha let's solve the another question that is the importance of tryptone in microbiology is. so basically tryptone is the key ingredient of lysogenic growth used for the culture of different microorganisms including bacteria like the different strains of bacillus and also for the e. coli. and the role of tryptone is to provide the essential amino acid that is required for the growth of that particular bacteria. So, the answer for this question is option A that is to, pro to produce lysogenic broth for microbes. What does lysogenic broth do? So, the lysogenic broth favors the growth of microorganisms, including the bacillus species as well as E. coli. And the role of tryptone is to provide the essential amino acid.

और दूसरा होता है डाउन कमर राइजर क्या करता है यहाँ नॉजल लगा होता है बेस में उस नॉजल से गैस इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर एयर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एयर क्या होता है उस राइजर के ऊपर जाता है और जो भी हमने उसमें न्यूट्रिएंट डाला है जो भी हमने सब्सटेंट डाला है वे उस राइजर के थ्रू जो बबल्स बनते हैं उसके थ्रू तो थर मिक्सिंग होता है जैसे ही मिक्सिंग होता है उसके बाद में जो

दिख रहा है ये जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसी इसी में इस के जाते है और मिक्स होता है। इसी ने एयर फर्मेंटर में किसी भी टाइप के मैकेनिकल एजिटेटर की जरूरत नहीं होती है इसमें के गैस मिक्सिंग की वजह से जो हमारा कंटेंट हमने उसमें डाला है उसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होते रहता है इट मीन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी Now, let's solve the other question that is bad sterilization cycle time consists of. So, bad sterilization is a common method for the sterilization of the various liquid nutrient broth. So, the correct answer for this question will be answer B that is pre-base. It means that temperature time profile for the bad sterilization involved Three basic step that is heating time, holding time, and the cooling time. It means it goes through three different steps for the sterilization of that particular liquid media. So, the correct answer for this batch sterilization will be three phases. It requires the complete three phases like heating, holding, and then cooling for the proper sterilization of the liquid media. ना ऑन एन अदर क्वेश्चन दट इज स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फॉर्मिंग एजेंट ये क्वेश्चन फैक्चुअल है और पूछा जाता है हमेशा इसके पहले भी जो हमने डिस्कस किया था एयरलीफ परमेंटल पर ये सारे ही क्वेश्चन जो सीरीज में है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेपचुअल भी है यानी कि अगर हमने थ्योरी नहीं पढ़ाया तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन वो फैक्चुअल है अगर आपको पता है कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स क्या है फॉर्मिंग एजेंट्स क्या है आपको मेमोराइज है तो आप आंसर कर पाएंगे सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी प्लोरोनिक एफ सिक्सटी एट जो प्लानिक एफ सिक्सटी एट है वो बेसिकली सेल कल्चर में एज अ स्टेबिलाईजर यूज होता है यानी कि ये मेम्ब्रेन को रप्चर होने से कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है शेयरिंग होता है उससे बचाता है इट मीन्स इट डायर एज एन एंटी फॉर्मिंग एजेंट यानी कि ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट है नॉट अ फॉर्मिंग एजेंट मतलब ये फॉर्म बनाने से रोकता है वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम देशर ट्रीटमेंट एंड वी ओल्टो दिस क्वेश्चन अ वेरी कॉमन डिवाइस यूज फॉर दॉटर ट्रीटमेंट इज क्रिकन फिल्टर फ्रिथिन फिल्टर जो होता है वे

प्लास्टिक फिल्टर डाला जाता है इसमें पीवीसी के बॉटल्स यानी कि ऐसी मटेरियल्स का यूज करके वो जो बेड बनाया जाता है कि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा मिल सके और एक बायोसिलन बना लेता है ये सारी मटेरियल्स को एमिट किया जाता है एक बेड में और फिर ये जो है उसमें क्या होता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ कराया जाता है उस सरफेस पे जो हमने ग्राउंड लेवल में लगाया है अब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा है, करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड है वेस्ट वाटर में और उसको स्टेबिलाईज कैसे करते हैं एरोबिक यानी कि ऑर्गेनिक डिग्रेड करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो फिल्टर्स है वो मेनली क्या रोल प्ले करते हैं दे रिमूव द ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंस यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ट्रिथिल फिल्टर एरोबिकली क्या करते हैं ऑर्गेनिक लिविड को तो कम करता है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट

फॉर द डाइजेशन ऑफ एनोरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं वो करते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट है वाटर में उसे डिग्रेड करते हैं और एनोरोबिक डाइजेशन जब भी होता है मिथेनोजेंस के थ्रू तेन बायोगैस का भी प्रोडक्शन आता है यानी कि ये जहाँ पे भी किया जाता है एनोरोबिक डाइजेशन वहाँ पे जो सेटअप होता है वो ऐसा सेटअप होता है कि जो

एक्टिवेटेड स्लज बेसिकली एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है और बहुत ही कॉमन है फेस्ड वाटर से ऑर्गेनिक कंटेंट को रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड स्लज मेथड यूज होता है बेसिकली इसमें किया ये जाता है कि जितने भी हमारे माइक्रोगिन कंसर्स होते हैं माइक्रोबियल डेंसिटी बनाया जाता है एक डेंस माइक्रोगेन कम्युनिटी बनाया जाता है वो ही सकते हैं जिसमें क्या रहते हैं अलग अलग बैक्टीरिया पंजाई प्रोटोसोआ उन सभी के साथ में जो ऑर्गेनिक कंटेंट हमारा प्रेजेंट है में हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मरीज के क्या बनाते हैं एक स्लॉप बनाते हैं और हमेशा एरेशन होते रहता है यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और फिर क्या होता है डिग्रेडेशन होता है जितने भी ऑर्गेनिक मेटर हैं उनमें हमारा माइक्रोबियल बायोमास क्या हो गया काइंड kind ऑफ of उनसे बाइंड हो गया है तो फिर ये सॉलिड हो जाता है फ्लॉप और फिर इसका सॉलिड सेपरेशन सेटलिंग यूनिट्स में अलग अलग कर दिया जाता है और इसी तरह से वाटर में जो है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उनको रिमूव किया जाता है जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिग्रेडेशन करेंगे उसका और उसके बाद जो नेफ्ट ओवर सॉलिड रेसिडी रहेगा एज अ फ्लॉक बोला जाता है जिससे वो सेटलिंग यूनिट्स में सेटल हो जाएगा और हैंड्स नियम हो जाएगा तो ये जो एक्टिवेटेड स्लच है वह बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा टाइप ऑफ मेस्ट वाटर ट्रीटमेंट